वंदे मातरम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो है नाभि का अपनी जगह से खिसकना। यहां पर जब भी हमारे पास में आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य होंगे, किसी के साथ भी ये कभी भी समस्या उत्पन्न हो सकती है और इसकी गंभीरता आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि अगर कभी किसी की नाभि खिसक जाए तो उसको गंभीर रूप से बीमार करेगी। और दूसरी बात, अगर हम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो डॉक्टर को 99% केस में समझ ही नहीं आएगा कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। ये बड़े बुजुर्गों की बताई हुई वो चीज है जिसके बारे में हमारे घर के परिवार के हर सदस्य को ज्ञान होना चाहिए और इसका इलाज जो है वो आप अपने घर में ही कर सकते हैं, बाहर जाकर नहीं होता। तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर हम इसको समझते हैं कि नाभि का खिसकना क्या है और वो किस तरह से समस्याओं को उत्पन्न करता है। हमारे साथ में हमारे टीममेट हैं जिनको हमने आज यहाँ पर लिटाया हुआ आपके सामने। अपने परिवार के सदस्य को इस तरह लिटाएंगे तो नाभि पर जब आप हाथ लगाएंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे हमारे दिल की धड़कन धक धक करती है, उसी प्रकार से नाभि के नीचे, नेवल के नीचे भी एक प्रकार की धड़कन होती है जो इसी प्रकार से चलती है। ये सेंटर है, पूरी बॉडी का केंद्र है। अगर ये अपनी जगह से हिलेगा तो पूरी की पूरी बॉडी, आप ये समझिए आपका शरीर जो है वो राइट हिस्से में और लेफ्ट हिस्से में इक्वली अलाइंड है, और अगर उसका केंद्र हिल जाए तो आपका पूरा का पूरा हिस्सा, उसके सारे ऑर्गन्स एक तरफ जो है उनका पूरे के पूरे जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इसके बिगड़ने से शरीर को बहुत प्रकार के रोग होते हैं, बहुत प्रकार से तकलीफें होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो है आपके मोशन के अंदर बदलाव का आना। आपको आपकी डाइट बिल्कुल परफेक्ट होगी लेकिन कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाएगी। अगर नाभि ऊपर की तरफ चली जाती है तो कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाती है तो लूज मोशंस लग जाते हैं। आप ये सोचकर हैरान होंगे, कल तक मैं बिल्कुल स्वस्थ था, आज मेरे पेट में भयंकर दर्द कैसे शुरू हो गया, मुझे कॉन्स्टिपेशन कब्ज कैसे हो गई, मुझे लूज मोशंस लगातार कैसे लग गए। तो इसीलिए कभी भी घर में परिवार के किसी सदस्य को अगर पेट में ज्यादा दर्द होता है या डाइट सही होने के बावजूद कॉन्स्टिपेशन लूज मोशन रहते हैं या लंबे समय तक उनको पेट की डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं तो तुरंत चेक करना चाहिए हाथ लगाकर कि नाभि अपने केंद्र में है या नहीं है। अब इसको जांच करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो जो मैंने बताया, जैसे हमारे बंधु जो हैं ये लेटे हुए हैं तो मैं हाथ लगा रहा हूं तो जहां पर हमारी नाभि है उसके ठीक नीचे ये धड़कन धक धक करके हो रही है तो इसका मतलब धड़कन केंद्र में है। इनको धरन जो है, धरन का हिलना, इसको बोलते हैं धरन का खिसकना या धरन का हिलना। तो धरन जो है ये जो है अपनी जगह से नहीं हिली हुई। अगर दूसरे तरीके से आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसका तरीका होता है ये हाथ की हथेलियों को मिलाना। हम सबने बचपन में मिलाई हुई है हाथ की हथेलियां तो हम जानते हैं बीच में क्या बनता है, चांद बनता है एक। आपकी हाथ की हथेलियां अगर ऊपर की, ये जो आपकी उंगली है, मैं चाहूंगा कैमरे को एक बार लेकर आए और हाथ की हथेलियों को एक बार दिखाएं जरा। अब आप देखेंगे ये मेरी हाथ की हथेलियां हैं। अगर मैं इन दोनों हथेलियों को मिला रहा हूं तो क्या हो रहा है, इस उंगली के इस वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन इस लाइन से मिल रही है, ये लाइन इस लाइन से और ये लाइन इस लाइन से, और पूरा देखेंगे तो पूरा चांद बन रहा है। अगर आप ये बीच में, दोनों हाथों के बीच के ये जो चांद मैं बता रहा हूं ये अगर मिल रहा है और ऊपर की लाइन इससे नहीं मिल रही, एक उंगली छोटी एक उंगली बड़ी ऐसी महसूस हो रही है तो समझ लीजिएगा कि आपकी धरन जो है वो हिल चुकी है। वापस जाइए, यानी कि शरीर का जो केंद्र है वो अपनी जगह से हट चुका है। अब कितनी भी अच्छी डाइट कर लीजिए, कुछ भी एक्सरसाइज कर लीजिए, ये ठीक नहीं होगी जब तक आप अपने केंद्र को ठीक नहीं करेंगे। माम दिस्ता होता था या आजकल हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी खरल की बनाई थी, तो क्या करना है, एक बहुत भारी सुंडी लेनी है, मतलब ये जो होता है ना कुंडी टाइप होती है, इस तरह की मुसल होती है हमारे घर के अंदर, ये तो मैं बहुत छोटी हमारे पास में अभी मिली थी, भारी वाली थी नहीं तो मैं ये छोटे वाली लेकर आया, इससे भी काम बन जाएगा। लेकिन कई घरों में वो भारी मुसल होती है, वैसी मुसल को अपने को अरेंज करना है। और क्या करना है, उसके ऊपर जैसे कोई कपड़ा लगा लिया, क्योंकि अब हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा, इस कपड़े से एक तरह से हम इसके ऊपर बफर दे देंगे ताकि ये हमारे शरीर में चुभे ना। तो जब हम क्या करेंगे, हमें केंद्र में वापस लेकर आना है नाभि को, तो उसको लाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने इसको 3-4 लेयर देके बफर बना दिया इसका। अब क्या करना है, ये नाभि है, अब कैमरे को थोड़ा ऊपर ले आएंगे, यहां पर ले आइए, नाभि की तरफ दिखाइए। तो दोस्तों ये जो है हमारी नाभि है, इस पर मैंने ये मुसल जो है लगाया। लगाने के बाद में अब आप देखिए साइड में से जो है, अब सपोज कीजिए इसके नीचे धड़कन है तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूं। अब प्रेस कितना करना है, जितने में जो सामने पेशेंट है वो सहन कर सके, जब वो बोले मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तब रुकना है, नहीं तो प्रेस करना है जितना कर सकते हैं। आप बताएंगे जब आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, अदरवाइज बियर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं प्रेस करता जा रहा हूं दोस्तों, देखिए आप काफी देख सकते हैं कितनी अंदर तक मैं इसे प्रेस कर चुका हूं और कोशिश कर रहा हूं जितना पेशेंट सहन कर सकता है उतनी अंदर तक इसको प्रेस करना है। तो मैं काफी हद तक अंदर प्रेस कर चुका हूं, वो बियर कर रहे हैं। अब क्या करना है,
सात बार इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और सात बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। एक, दो, बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके जितना दम लगा सकते हैं, तीन, चार, अगर कहीं पर भी यहां पर केंद्र में नाभि होगी या धरन होगी तो वो वापस अपने केंद्र में आ जाएगी क्योंकि हमने बीच में कैविटी क्रिएट करके दम लगाकर इसको घुमा रहे हैं, काफी देर तक हम घुमा रहे हैं। अब यहीं से मैंने क्लॉकवाइज करा, इसी तरह से दबाकर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो। अब ये देखिए घुमाते वक्त जो है ये शरीर की स्किन जो है ना ये भी घूम रही है, ये स्किन भी थोड़ी थोड़ी घूमनी चाहिए। चार, पांच, छह, सात, आपने सात बार क्लॉकवाइज और सात बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। कहीं पर भी इधर उधर अगर धरन होगी तो वो टिक जाएगी, वो वापस केंद्र में आने की कोशिश होगी। अगर बाय चांस नहीं आती है तो दोबारा करेंगे। अब जैसे ही आपने ये करा तो उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है दोनों पैर मिलाए, दोनों पैरों को इस तरह उठाइए 30 डिग्री पर, उठाइए दोनों पैरों को, ये 30 डिग्री पर इन्होंने अपने पैर उठाए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है जब भी आप हर रोज सुबह व्यायाम करते हैं ये वाला व्यायाम जरूर करें, ये आपकी धरन को मजबूत करेगा। अब कई लोग हैं जो कहेंगे मैं पैर इस तरह नहीं उठा पा रहा, तो क्या करना चाहिए, उठाइए, हल्का सा सपोर्ट देना, बिल्कुल हल्का सा, उंगली मात्र। ज्यादा सपोर्ट देंगे तो बात नहीं बनेगी, जो नीचे पेशेंट है उसको सपोर्ट देना। आप देखिए यहां से इसने पैर उठाया तो आप पेट देख रहे हैं, पेट जो है ऊपर किस तरह आ गया, तनाव पैदा हुआ और दोबारा से जो धरन है वो केंद्र की तरफ खिंचनी शुरू हो जाएगी। उठाइए दोबारा से, और उठाइए, और उठाइए, कोशिश करिए, हाँ उठा के रखिए, थक जाए तो नीचे करिए। याद रखिएगा ये क्रिया आपको खाना खाने से 2-2.5 घंटे के बाद में ही करनी है। तो जब भी खाना खा लिया 2-2.5 घंटे के बाद आप सांस लीजिए, 10-15 आराम से सांस लीजिए, फिर से दोबारा उठाने की कोशिश करेंगे जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। मास्क को हल्के से नीचे कर लीजिए, सांस प्रॉपर आ जाएगा आपको, और फिर से दोबारा कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बताया केंद्र में लाने के लिए हमने क्या करा, जो हमारे पास मुसल थी उससे हमने कैविटी बनाकर अच्छे से घुमाया, आसपास से अगर धरन होगी तो वो बीच में आएगी, और फिर हमने पैरों को उठाया ताकि इसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेटेड प्रेशर बने और यहां पर धरन जो है वापिस आए। ये देखिए आपके सामने दोबारा से ये इसी तरह का व्यायाम कर रहे हैं और इसी तरीके से धरन जो है वो वापिस आने की यहां पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये आपने देखा। अब कई लोगों के अंदर ये पहली बार के अंदर ही आ जाती है, अगर नहीं आती तो यही प्रक्रिया हमें दूसरी बार तीसरी बार करनी चाहिए दिन में। अगर इस बार करे पेशेंट थक गया कोई बात नहीं, अभी आराम कर ले, 4-5 घंटे के बाद दोबारा यही प्रक्रिया करनी चाहिए। जब आप इस प्रक्रिया का अभ्यास बार बार करेंगे, अब मैच कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे धड़कन वापिस आई क्या, दोबारा ये उंगलियां लगाकर देखे, अगर धड़कन हमारी हाथों के नीचे आ गई, जब पेट के ऊपर अगर सपोज कीजिए धड़कन इधर उधर हुई तो मैं दाई तरफ हाथ लगाऊंगा तो वहां धड़केगी तो पता चल जाएगा धड़कन अपनी जगह से हिली हुई है। तो धड़कना जहां पर होगा वो नाभि के नीचे ही उसकी धड़कन होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप धड़कन को नहीं पकड़ पाते, कई कई केसेस में नहीं पकड़ी जाती, तो हाथ की हथेलियों को जैसे मैंने बताया वैसे मिलाकर देखना, आपको पता चल जाएगा धड़कन अपनी जगह है या नहीं। अगर इस प्रक्रिया को आप फॉलो करते हैं तो टफ से टफ केसेस के अंदर जहां धड़कन हिली होती है उसके वापिस आने के अंदर पूरे चांसेस बन जाते हैं। हमें उम्मीद है भारतीय संस्कृति के इस पुरातन ज्ञान को आप समझने की कोशिश करेंगे। विश्वास कीजिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर्स 5-5 साल तक इलाज करते रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि कमी कहाँ थी। तो इस विज्ञान को समझिए, अपने परिवार के सदस्यों को सिखाइए धरन को कैसे फिक्स किया जाता है। अगर ये नॉलेज हम आगे पास ऑन नहीं करेंगे तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो अपने यहां से मिस कर देंगे, और ये होना नहीं चाहिए। भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा है, इसकी समझ हम सबको होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ भारत वंदे मातरम।